लोकतंत्र का पहरेदार आर टी एंड न्यूज तुसी देख रहे हो मेरे नाल ते मैं हां रमनीक सिंह। इस वक्त आरटी इंडिया न्यूज की टीम लैके पहुंचे आपा करनबाग विखे जिथे मेरे पिछे तुसी वेख सकते हो कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। बिजली नूं लैके जो प्रोटेस्ट धरना दिता गया है उन्हां नाल गलबात करांगे। पंजाब की वजह है तुसी जो रोडां ते उतर आए हो धरना प्रदर्शन कर रहे हो गड्डियां जाम कर दी हैं जो रोड जाम कर दी हैं के कहना? देखो सब तो पहला असीं तुहानूं इह दसना चाहुंदे हां ये सारे मीडिया वाले नूं और इस टाइम जम्मू की जिहड़ी ये न्यूज़ है हर चैनल उपर चल रही है कि गौरमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बिना वजह साढ़े जम्मू कश्मीर नूं लुट्टन आई हुई है। ये जदों कोई भी एक्सपैरीमेंट आता साड़ी जम्मू कश्मीर स्टेट उपर करते हैं ये तुहानूं दस दिए साड़ी स्टेट विच इतनी समूथली चल रहा सी सारा भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जदों दी एडमिनिस्ट्रेशन आई हुई है इन्होंने हिंदू नूं मुसलमान नाल मुसलमान नूं सिख नाल सारे भाईचारे लड़ा के ये अपने हर मनसूबे कामयाब होने की कोशिश कर रहे ने। आज साडे रूरल एरिए खास करके जेड़ा गरीब 5-6-7 हज़ार रुपये कमांदा उसके घर का बिल 5-5 हज़ार रुपया आ रहा है। यह सानू हर किसी मंजूर नहीं। स्मार्ट मीटर जिते इन्हे लगाए ने उसे 10-10 हज़ार रुपया लोगों के घर के किराए आ रहे हैं। असं एडमिनिस्ट्रेशन एल जी साहब नू मैसेज जरूर पहुंचाने चाहेंगे तुहाडे राही कि स्मार्ट मीटर की सानू जरूरत नहीं साढ़े उपर और एक्सपेरीमेंट करने की जरूरत नहीं क्योंकि असी लोग पहले ही साड़ी स्टेट गरीब है। तुसी यूपी बिहार विच कित्थे लाए ने सानू दसो स्मार्ट मीटर जदों दिल्ली विच ते पंजाब विच टोटली पानी बिजली फ्री कर दी है सरकार ने ते तुसी साडे पर जजिया टैक्स लगा रहे हो टैक्स उपर टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स तुसी लान जा रहे हो स्मार्ट मीटर तुसी ला के स्मार्ट मीटर ला के सरकार तुहानू स्मार्ट बनाना चाहुंदी है कि इत्थे दे लोकां नू जो स्मार्ट बनाना चाहुंदी है स्मार्ट मीटर ला के फिर तुसी क्यों नहीं है स्मार्ट नहीं बनना चाहते असि जो हाल बीच पहले उत्थे ही खुश ये एडमिनिस्ट्रेशन सानू बिल्कुल कबूल नहीं इन्हों अगर स्मार्ट बनाना चाहते ने इलेक्शन क्यों नहीं करवाते सरकार अपने को पूरी पावर रखे। बीजेपी सरकार दिल्ली तो पूरा कंट्रोल एल जी साहब उपर किया है एल जी साहब पूरे जम्मू कश्मीर सत्यानाश कर जा रहे हैं। असं एडमिनिस्ट्रेशन एल जी साहब ने कहेंगे तुसी ग्राउंड लेवल ते जाओ साडे पंचायतां दे गरीब रूरल एरिया दी लोकां दी की हालत है। हाँ तुसी स्मार्ट मीटर लाओ पहले पूरे भारतवर्ष विच लाओ फिर साडी स्टेट ते लाओ क्योंकि साडी स्टेट आखिरी स्टेट है सब तो पहले एक्सपेरीमेंट तुसी इत्थे करदे हो सानू मंजूर नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़ चुके हैं वीर बलवीर सिंह जी। बलवीर सिंह जी ये जो प्रोटेस्ट धरना दिता है तुसी स्मार्ट मीटर नूं लै के खामियां कहने स्मार्ट मीटर दी ते स्मार्ट मीटर तों इन्ने लोकी डरदे ने? गल इस तरह की है जी कि तुम देखो ये असी जो इतने धरना दिता है ये धरना सिर्फ असी नहीं दिता ये कश्मीर तो लैके तो लखनपुर तक हर बच्चा हर घर बाहर निकल के जा रहा है हर बंदे की ये डिमांड है हर घर की ये डिमांड है कि स्मार्ट मीटर जोड़ा वह असी लगन नहीं देवे क्यों कि जिस तू पिछे 370 दफा इन्होंने वापस लिया उस दिन लैके अज दिन तक स्मार्ट मीटर इन्होंने लाए प्रॉपर्टी टैक्स लाया टोल टैक्स लाया बेरोजगारी की लोगों का नुकसान किया रोटी रोजी भी लोगों की छीनी अज हर आदमी हर जो साड़ा ये महला है राणी बाग गाड़ीगढ़ लोअर गाड़ीगढ़ चट्ठा फार्म अकल विक्रम नगर सारी कलोनिया के असी बंदे कट्ठे होके अज बहुत भारी है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। असी स्मार्ट मीटर नहीं लगन देंगे नहीं लगन देंगे क्यों कि स्मार्ट मीटर वास्ते कुछ कंडीशन होंगे इन्होंने वो फैसिलिटियां सानू दित्तियां कि साडे घर दे विच अज कड़ी है नौकरी दे रहे हैं अज बेरोजगारी इतनी है अज यूथ साडे बच्चे इतने पढ़े दे उन्होंने कोई नौकरी नहीं लग रही और कुछ नहीं लग रहा तो ये अज स्मार्ट मीटर ला के ते गरीब लोगों पर इतना लोड पा रहे हैं जिस आदमी के घर की अज 10 हज़ार तनखा है या 12 हज़ार तनखा है वह आदमी के घर अज 40,000, 45,000, 47,000 तक भी बिल आया लोगों का तो इस वास्ते आज जो जितनी असी प्रोटेस्ट किया है इस वास्ते असी रोड क्लोज करके ये असी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं लगन देंगे स्मार्ट मीटर नहीं लगन देंगे। पता है तुसी स्मार्ट मीटर नूं जो प्रदर्शन विरोध कर रहे हो समझो कि सरकार का विरोध कर रहे हो आरएसपुरा एक सरपंच ने किया सी ते उन्होंने खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया। देखो जी गल ये है कि अस ये साड़ा राइट है प्रोटेस्ट करना सारा राइट है एक्ट 147 के तहत असी अपना राइट ले सकते हैं असी प्रोटेस्ट कर सकते हैं क्योंकि असी इंडियन सिटीजन हाँ इस हिंदुस्तान के वासी हाँ पब्लिक है जनता के उपरी सरकार है
अज बाकी स्टेटा के भी लोकतंत्र है, साड़ी स्टेट भी लोकतंत्र क्यों नहीं है, साड़ी स्टेट भी इलेक्शन क्यों नहीं करा कराई जाती। अज ये कहें कि 370 लगन तो बाद अज जम्मू कश्मीर के असा इतना डेवलपमेंट कराया, अज उग्रवाद खत्म हो गया, फिर इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे। इलेक्शन कराने का यही मीनस है कि यह डर थोड़ा लग रहा है कि 370 के नतीजे ने सारे बिल्कुल ये 370 के नतीजे ने। अगर 370 बहाल हो जाता है तो यह जितना भी रिजल्ट है वह पास इन्हों के हाथी के दंद दिखाने के कुछ होर सन, खाने के कुछ होर सन। और जो नवी पॉलिसी जो बीजेपी ने बनाई कि असी सब तो पहले इतों की जनता को खजल करांगे, असी उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लाएंगे, इन्हों के स्मार्ट मीटर लावांगे, इन्हों के टोल टैक्स लावांगे, जदों इलेक्शन नजदीक आ जाएगी ये असी चीजा वापस ले लवेंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, सानू वोटां मिलने। लेकिन लोग अज जा चुके हैं, अज हर बंदा पढ़िया लिखा है, हर हर बंदा यह गल समझदा है। हिंदू कहना कि किते ना किते वोटां दी राजनीति है, बिल्कुल वोटां दी राजनीति है, यह पॉलिसी यह है। अगर वोटां दी राजनीति ना आती तो मैं दसो कि बाकी स्टेट के बाकी हिंदुस्तान के भी स्मार्ट मीटर क्यों नहीं लग रहे। साड़ी स्टेट के लग रहे कि असी साढ़े जम्मू कश्मीर के लोग असी गुलाम हो चुके हाँ, साड़ी कोई सरकार नहीं है, साड़ी असेंबली कोई नहीं, साढ़े MLA कोई नहीं, साड़ा मिनिस्टर कोई नहीं, साड़ा चीफ मिनिस्टर कोई नहीं, ये लापारस पे दी है। और सेंटर गौरमेंट आके साड़ी गरीब जनता को दुआरी है कि असी हिंदुस्तान के वासी नहीं हैं। दो गला पुण क्यों करते हैं, बाकी हिंदुस्तान या स्टेटा के लोगों ने तुसी लोकतंत्र का राज दिता तो साड़िया स्टेटा लोकतंत्र का राज क्यों नहीं दे रहे। लग रहा है कि साडे नाल किते सुतेली मां का व्यवहार किया जा रहा है, बिल्कुल सुतेली मां वाला सलूक किया जा रहा है। यह बिल्कुल साडे कने जाति हो रही है, यह दो बाजरी की जाती है कि बाकी स्टेटा तुसी लोकतंत्र का राज लाया है तो साड़ी स्टेट के लोकतंत्र राज नहीं। अज साड़ी है जनता है कहिंदे असी किहड़े पंच कोल जाइए, किहड़े सरपंच कोल जाइए, किहड़े कारपोर्टर कोल जाइए, किहड़े MLC कोल जाइए, किहड़े MLA कोल जाइए, किहड़े मिनिस्टर कोल जाइए अते किहड़े चीफ मिनिस्टर कोल जाइए। असी लावारस हां सारे, साडा कोई वारस नहीं है साडी स्टेट दा जम्मू कश्मीर दा विच। अज हाहाकार मच गई दी है, अज साडियां पैना ये ठाठा मार दी गर्मी दे विच इकत्तर हो रहे ने सारे। अज इतनी दुनिया आ रही है, असी इस गर्मी की परवाह नहीं समझांगे। सानू जम्मू पुल बंद करना पवे, सानू गिरफ्तारियां देनियां पै जावन, सानू जेलां विच लै जाओ तुसी, असी अपना जो हक नहीं छड़न। बिल्कुल अज दुनिया जो है ये चाहती है कि स्मार्ट मीटर असी नहीं लगन देंगे, सारी झाड़ी गर्दन चला जाए, सारी कुछ हो जाए। मेरा इलाका है, मैं मन जाऊंगा किसी नू कि मेरे इलाके दे भी कोई बढ़ के स्मार्ट मीटर ला के दसेगा, मैं खड़ोता था कोई नहीं सदा। असा एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, चार बार गया, हूं साढ़े बर्दाश्त तो बाहर हो चुका है। इस वास्ते साड़ी ये डिमांड है, असी स्मार्ट मीटर नहीं लगन देंगे, नहीं लगन देंगे, नहीं लगन देंगे। धन्यवाद। तुम देखिए सारे सिख बीबिया भी जो सारे इतने एकत्र हुए ने, और जो स्मार्ट मीटर लैके ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जम्मू में चलते रहे ने, हर जगह नू देखने तो मिलते हैं। हूँ इस वक्त साढ़े नाल होर भी जो बीबिया ने जुड़ चुके हैं, इन्होंने गल करते हैं कि कहना चाहोगे आंटी कि तुम अज जो स्मार्ट मीटर लैके क्यों इस स्मार्ट मीटर को डर लगता तो? स्मार्ट मीटर दे मेरी गल सुनो, ये सरकार ने रोजगारी दे कोई दीती नहीं है कि बच्चे सारे बेरोजगार हैं, और महंगाई इतनी बढ़ गई है, सिलेंडर महंगा, सब्जी महंगी, गरीब बंदे हैं, सारी गरीब लोग हैं। साढ़े जम्मू बिच ये कहंदे सन कि बीजेपी सरकार कहंदी सी कि असी काला धन बाहर तो लियांगे, लेकिन बाहर तो लियाने तो साढ़े लोगों के जेवा ही खाली करना शुरू कर दिता इन्होंने। काला धन तो साड़ी से कोई देखे नहीं, लेकिन चिट्टा धन लेके तो काला धन बना रहे हैं, अपने इकट्ठे कर रहे, स्टोर में इकट्ठा कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने वास्ते। और मैं यही अपील करांगी LG सरकार नू, होश भी चाहो, तानाशाही बंद करो, गरीबों नू लुटना बंद करो, गरीब बहुत परेशान है, गरीब सुसाइड करने वास्ते तैयार है। प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली टैक्स, पानी टैक्स, केड़े केड़े टैक्स लोगे, पहले तो जो समान लेंदे वो टैक्स दे के समान ले, GST तुसी लगा दी थी, गरीब कितू देगा पैसा, गरीब नु खाने वास्ते रोटी नहीं है, टैक्स कितू देगा वो। इस करके असि अपील करते हैं कि स्मार्ट मीटर तुसी नहीं लगा, स्मार्ट मीटर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। स्मार्ट मीटर पहले बोलते स्मार्ट सिटी बनाएंगे, सिटी बनाने बनाने स्मार्ट मीटर लेके आ गए, कितनी शेम दी गल है, शर्म दी गल है, लोगों नु गुमराह कर रहे, लोगों नु ठग रहे, लोगों नु लुट रहे। ये लुटना बंद करो, अपने होश भी चाहो, तानाशाही बंद करो, ऊपर वाला तो माफ कदे नहीं करेगा। तुसी नहीं चाहते कि तुहाड़ा जम्मू स्मार्ट बने? LED लगा के खंबे ते LED लगा के स्मार्ट नहीं हो जाता, जाके देखो सड़कां दी हालत, देखो सड़कां दी सड़कां सड़कां दी हालत क्या है, सड़कां सारी खराब कर लो, लाइटां लगा के स्मार्ट नहीं, जनता को खाने वास्ते रोटी नहीं खाएगा, बंदा जिंदा होएगा तो सीटियां देखेगा ना, जे बंदा ही नहीं होएगा तो सीटियां क्या करनी है ना सी।
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਕਿਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਪਾਣੀ ਲਾਈਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਰਟ ਬਣੇ ਜੰਮੂ ਸਿਟੀ ਸਮਾਰਟ ਬਣੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਰਕ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਆ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਨਰਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬੁਰੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਡ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਕਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ 4-5 ਕਿਲੋ ਜਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 5-6 ਬੰਦੇ ਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਾਏਗਾ ਇਹ ਠੱਗਣਾ ਇਹ ਲੁੱਟਣਾ ਇਹ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟੈਕਸ 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 ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ 5 ਕਿਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬ ਕਿ ਆਟਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਆਟਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 30-35 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਲੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਦੀ ਆ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੁੜ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 75 ਸਾਲ ਤੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਇਤਨੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਕਾਨੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਬਿਜਲੀ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਇਤਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਬੈਸਾ ਇਤਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਕਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਦੇਗਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿਧਰੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਅਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਰ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਟਾ ਦੇਖੋ ਆਟੇ ਉੱਪਰ ਆਟਾ 5 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ 10 ਬੰਦੇ ਕੇ ਖਾਣਗੇ ਹਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੀ ਟੈਕਸ ਚੋਇਸ ਚੋਇਸ ਮਕਾਨੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਬਿਜਲੀ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕਿਥੋਂ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਰੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਅਗਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ 1000 ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹ 5000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ये रिक्वेस्ट करना चाहता है कि जिस इंसान का 5,000 तो लैके 7,000 रुपया बिजली का बिल आएगा, वो प्राइवेट नौकरी अगर 8-10,000 रुपये से कर रहे हैं, वो परिवार को रोटी खिलाएगा या बिजली का बिल भरेगा। ये आज पूरे जम्मू कश्मीर के पूरी जनता रोड से है, लेकिन सरकार के इस कन्ना चू जै तक जू तक नहीं रेंग रही। और बिजली जो स्मार्ट मीटर असं बिल्कुल ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और असं बिल्कुल प्रोटेस्ट कि सुतियां सरकार जगाओ। अस ये सुतियां सरकार जगाने का यो तरीका है कि जिस तरह मां अपने बच्चे रोन के बगैर दूध नहीं देती, इस तरह साढ़े लोग अगर घर बैठे रहन गए, ये सरकार दिन ब दिन नवे तो नवे टैक्स जनता से लगाती रहेगी। हूँ जनता सुती नहीं है, जनता जाग चुकी है, हूँ जनता जागरूक है, और जागरूक होकर जनता अगर सड़क पर आएगी और सानू अपना हक लेना आता है। असं सारे ही सड़क पर पहुँच चुके हैं, हर एक बंदा सड़क पर आने तैयार है, क्योंकि किसी की किन्नी समर्था नहीं है कि 5-6 हज़ार बिजली का बिल देगा। इस करके जदों तक साढ़े इस एरिए बिल्कुल लोग बिल का बिल बिजली का दे रहे सन, 500-700 हज़ार जो आता सब दे रहे हैं, लेकिन यकदम उस बिल दो 500 से 5,000 कर दोगे, लोगों की तुम रोजी रोटी छीन लोगे, तो लोग रोज से रोड से आने तो मजबूर हो जाएंगे जी। अज जो है स्मार्ट मीटर लैके पूरा जो है पंजाब स्मार्ट मीटर नहीं लगे थे, पूरे हिंदुस्तान कि स्मार्ट मीटर नहीं लगे, लेकिन यह तोहफा सरकार जम्मू कश्मीर क्यों देना चाहती है स्मार्ट मीटर? मैं थोड़े माध्यम राही माने मनोज सिन्हा मैसेज देंगा कि आप जी पहले अपने जिते थोड़ा अपना वतन उत्थे जाओ, उत्थे लखनऊ के लोगों के घर मीटर भी नहीं है, और ना उत्थे एक रुपया भी बिजली का बिल नहीं आता है। फर्स्ट टाइम उत्थे 5 लाख लोगों ने ITR भरी है, अज तक उत्थे ITR लोग नहीं भरते। इतने आके तुम जिस दिन तो अपने शहर के स्मार्ट मीटर लग जाएंगे, असं जम्मू वाले सब तो अगे होवोंगे मीटर लगाने वास्ते, पहले अपने जाके उत्थे डिजिटल मीटर से लगाओ, स्मार्ट मीटर दूर की गल है। दिल्ली देश की राजधानी है, उत्थे भी स्मार्ट मीटर नहीं लगे, फिर जम्मू में तोहफा तो जम्मू के पंजाब के हो या दिल्ली के जिथे भी होए, पंजाब के 600 यूनिट हर उत्थे 2 मिनट का बिल निकलता है, उत्थे 600 यूनिट फ्री दी जाती है। इतने भी तुम साडी जनता को 600 यूनिट फ्री दो, असं मीटर लगाने तैयार हाँ। इस करके असं कदे भी किसी कीमत मीटर लगन नहीं देंगे, असं इसका पूरा मतलब पूरा प्रोटेस्ट करा, असं इसके खिलाफ खड़े हाँ, और जनता जागरूक हो चुकी है, जनता बेबस है। इस गर्मी के बीच सब लोग देखो सड़क पर बैठे थे, सरकार ने अन्नी बोली सरकार ने लोगों को सड़क पर बैठे थे मजबूर कर दिता है, लोगों ने परेशान कर रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी। प्रधान साहब जी ने तुम्हें दसा कि मीटर के बारे में, मीटर जो स्मार्ट मीटर वो किसी भी कीमत से स्मार्ट मीटर इतने नहीं लगन दिते जाएंगे, चाहे उन्होंने सर धर की बाजी देनी पै जाए, जिन्हें मर्जी प्रोटेस्ट करने पै जाए, रोड़ा ब्लॉक करने पै जाए, लेकिन इन्होंने कहना इतने की जनता का कि स्मार्ट मीटर असं नहीं लगन देंगे। जो स्मार्ट मीटर दिल्ली में नहीं लगे, जो स्मार्ट मीटर पंजाब में नहीं लगे, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में स्मार्ट मीटर नहीं, इन्हों का कहना है कि नहीं लगे, फिर साढ़े ते मलों मली क्यों थोपे जाते हैं, क्यों साढ़े ते स्मार्ट मीटर का बोझ पाया जा रहा है? एक पासे जो महंगाई की मार नाल जनता मर रही है, दूसरे पासे बेरोजगारी मर रही है, और तीसरे पासे एक बोझ पाना स्मार्ट मीटर का क्या सरकार नूं नजर नहीं आउंदा? अजी सरकार ने जिवें कहा कि 3-3 मंजिलां कोठियां लोकी पा लैंदे ने, लेकिन स्मार्ट मीटर लगान तो डरदे ने। 1.5-1.5 लाख रुपए का लोगों ने आईफोन रखा होया है, अजी सरकार का यह कहना है कि 1.5-1.5 लाख रुपए का लोगों के हाथों में आईफोन है, लेकिन उन्होंने जो बिजली का बिल देने नूं फिर क्यों तकलीफ आती है? ये सारा कुछ पूछांगे जनता नूं कि के कहना चाहोगे अजी सरकार का जो बयान है कि 3-3 लाख 3 मंजिला कोठियां पा लैंदे ने लोकी, लेकिन 1.5-1.5 लाख रुपए का हाथ आईफोन है, लेकिन फिर भी लोग बिजली का बिल देने तो हाथ क्यों पिछे करते हैं? देखिए ये सरकार दे गरीबों नूं मारन वास्ते लगी दी है, 370 इन्होंने तोड़ के इन्होंने दस्या सी कि असीं आम बंदे नूं नौकरियां देंगे लखां दी तादाद विच, नौकरियां दे एक पासे रही हैं, महंगाई की मार देख लो, अज टमाटर 200 रुपए किलो हो गया, आईफोन अज मेरे को आईफोन नहीं है, मेरे को एक छोटा जिहा फोन है, आम बंदे को तुसीं देख लो ज्यादा 10,000 का फोन आएगा जां 8,000 का आएगा, लेकिन एक फोन 10,000 का 5 साल चलेगा, लेकिन आईफोन की गल तुसीं कीती है, आईफोन तो बड़ी दूर का सपना, कोई VIP बंदा होगा उस को आएगा, तो VIP नूं ते बड़ी फैसिलिटियां देंदे ने, उन्हां दी इनकम ऑफ सोर्स बहुत ज्यादा है, वह एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक आम जनता जो देखो अज माता भैन आम जनता इतने रोडा से आई है, क्योंकि उन्होंने हक छीनन हो रहे हैं, उन्होंने अधिकार छीनन हो रहे हैं, लोगों जड़े कहते स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, उस तो पहले क्या मीटर नहीं सन, 200-400 रुपया बिल देते सन, लोग आराम से अपनी जिंदगी का निर्वाह करते सन, क्योंकि इनकम ऑफ सोर्स ही इन्ना सी कि अपनी जिंदगी का निर्वाह अच्छा तरीके ना करते सन, लेकिन अज 5-5, 10-10 हज़ार रुपया बिल आ रहे हैं, और स्मार्ट मीटर लगा के इन्होंने लोगों ने क्या करना है, अगे साड़ी
अगे प्रॉपर्टी के टैक्स लगाने ने और इन्होंने लोगों के उपर इन्होंने इन्हों रिनी कर देना, इन्होंने मकान भी अपने नहीं रहने, क्योंकि सरकार की पॉलिसी यही है कि जम्मू कश्मीर खत्म करना है। क्योंकि जदों की PGP सरकार इस जदों की 2024 बिजनेसमैन की सरकार है, यह जदों की इन्हें जम्मू कश्मीर लुटन वास्ते लगी दी है, असं यह नहीं होने देंगे। असं सारे इस मुद्दे के चाहे कोई भी असं मान लीए कोई भी अगर साड़ी कोई NC ना चलता है, कोई कांग्रेस ना चलता, इस मुद्दे से असं एक हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई असं सारे मिलकर लड़ाई लड़ांगे, एक प्लेटफॉर्म से खड़े हो गए, नारा देंगे, सरकार के खिलाफ विरोध करोगे, स्मार्ट मीटर का विरोध करोगे, सारी सारी कौमा एक कट हो गए, एक मुठ होके तुसी खड़े हो। ओ तुसी देख रहे हो, देखो माता भैन किस तरह खड़ी हुई हैं, साडे नाल मुंडा मुंडा और बुजुर्ग खड़े ने। अज करनबाग चौक से एक असी छोटा सा प्रोटेस्ट किया है, इन्होंने ढाई लाख रहे, अज आने वाले समय इन्होंने ना सुधरे, असी पूरी जनता एक विक्रम चौक जाके असी बंद करना, सतवारी चौक बंद हो रहे, और जिन्हें भी इन्होंने डिपार्टमेंट ने जो LG एडमिनिस्ट्रेशन ज गुंडागर्दी ना साढ़े पर टैक्स लगा रही है, ये नहीं चलेगा, क्योंकि अंग्रेजों के सरकार अंग्रेज जदू इंडिया में आए सन, ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी इतने आई सन, इन्होंने लोगों ने उस टाइम भी लोगों को गुलाम के गुलामी की निशानियां ने। जदों किसी के जेब तो पैसा ज किसी की जनता की आवाज़ को रोकया जाए, यह समझो गुलामी गुलाम करने की निशानियां ने, यह जी सरकार सानू नहीं चाहती। किवें कह सकते तुसी एक गुलामी के चिन्ह ने गुलामी की निशानियां ने? सर देखो किसी के जेब भी पैसा नहीं रहेगा, उसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, अपना पैसा लोगों को दे चुके होंगे, सब कुछ देंगे, तो गुलामी और क्या है, क्योंकि इन्होंने दबा के इन्होंने सोचा था कि असी अपना BGP का राज बना के एक हिंदू शासक असी बना लिए, क्योंकि इतने इन्ना बड़ा गुलदस्ता है, इससे तुहानू कमल का फुल भी मिलेगा, तरह तरह के फुल हैं, अगर एक गुलदस्ते भी तुसी चार किस्म के फुल पाओगे वह गुलदस्ता कितना प्यारा लगेगा। लेकिन इन्हां दी पॉलिसी है कि उस गुलदस्ते नूं तोड़ना चाहते, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता अवेयर हो चुकी है इस मुद्दे से, सारे कट्ठे ने, अगर सारे अधिकारां वाले स्मार्ट मीटर के विरुद्ध हो, तुसी स्मार्ट मीटर नहीं लगन नहीं लगन देना सर, स्मार्ट मीटर असीं बिल्कुल नहीं लगन देना, अगर इस वास्ते सानू किसी भी सरकार नूं के मैसेज देना चाहोगे? असीं यह मैसेज देना चाहेंगे कि हाले भी वक्त है, सुधर जाओ, जिहड़े BGP दे नेता बड़े बड़े वादे करते सर, 25 दे 25 MLA और लोग वोटा लैन वास्ते लोगों के घर आएंगे, मैं तो लोगों नूं कहंगा तुसी उन्हां नूं जोरदार उन्हां दा उस तुहानूं उन्हां नूं जवाब देना है, ते लेकिन अगर यह सुधरे नहीं, अगर ये लोगों नाल इसे तरह जायतियां करांगे, असीं यह नहीं चलन देनियां, यह मनमानियां। जो वीर जी ने जिवें दस्सिया कि देखो सरकार जो है इन्हां दे जो अच्छे दिन लियाना चाहती है, स्मार्ट मीटर लगाना चाहती है, डिजिटल मीटर जो हटा के स्मार्ट मीटर लगाना चाहती है, अपडेशन देना चाहती है कि इन्हां नूं बिजली मिले, लेकिन जो किते ना किते कम्युनिकेशन गैप जरूर है सरकार और पब्लिक दे विच, या तो इन्हां नूं इहदे दी अवेयरनैस नहीं की गई, या तो स्मार्ट मीटर की अवेयरनैस दी जाती ता कि इन्हां नूं उहदा पूरी नॉलेज होंगी, क्योंकि इन्हां दे अंदर एक स्मार्ट मीटर का फोबिया है कि उहदा ओवर बिलिंग आती है, बहुत ज़्यादा उहदा बिल आता है, इन्हों का कहना है कि किसी का 3500 किसी का 4000 किसी का 8000 बिल आता है, असी ये जनता जो गरीब जनता है बिल कितों भरेगी, जिन्हों के घर खाने का सोर्स तक नहीं है, तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सरकार नूं स्मार्ट मीटर की बजाय इन्हों बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहता है, अनइंप्लॉयमेंट जो है वह बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, होर तुसी देख रहे हो कि लगातार जो ये हुण तुसी देखिए जो प्रोटेस्ट धरना इस वक्त जो पुलिस पुगे जो मौजूद है, प्रोटेस्ट धरना जो है खोल दिता गया है, और इन्होंने फिर ये 26 तरीक का ऐलान किया कि उस जग वड्डा इकट्ठ करके तवी विच ब्लॉक किया जाएगा, अगर सरकार ने इन्हां दी मन्ना नहीं मंगिया तो जल्दी ही कोशिश नहीं की थी स्मार्ट मीटर से लोग लाने की, तो ये वड़े पद्धर से सारे जो पिंडा कट्ठे करके तो एक वड्डा रोस मार्च जो है कढ़िया जाएगा, जो इन्हों स्मार्ट मीटर का विरोध किया जाएगा। हुण तुसी देख सकते हो कि ट्रैफिक जो जाम इस वक्त काफ़ी लंबा लग चुका है, पुलिस ने इस वक्त जो है प्रोटेस्ट करना हटवा दिता है, इन्हों आश्वासन दे के कि आइंदा अगे जो है 26 तरीक नूं इन्होंने फिर वड्डा प्रोटेस्ट करना है स्मार्ट मीटर नूं लैके। सतवंत सिंह कैमरामैन सतवंत सिंह दे नाल रमनीक सिंह करनबाग।